गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड न्यू लेसन ऑफ ईवीएस लेसन 9, लेसन नेम सेफ्टी रूल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की डेट लिखिए 15/9/21 और यहाँ पर आप क्लास वर्क लिखेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, ईवीएस में हमारा न्यू लेसन है, लेसन का नेम सेफ्टी रूल्स है। स्टार्ट करते हैं, हम इसकी रीडिंग करेंगे, ओके, इस लेसन की। और लेसन 8 के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको नोटबुक में करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्टर, टिक द पिक्चर दैट यू थिंक आर करेक्ट। जो चित्र आपको सही लगता है उस पर टिक का निशान लगाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, एक क्या है, बच्चा है जो कि रोड पे दौड़ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए, तो ये करेक्ट पिक्चर नहीं है। सो हम इसे क्रॉस का निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस स्टॉप में स्कूल के स्टूडेंट क्या है, वेट कर रहे हैं बस के आने का। सो ये पिक्चर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर इस तरह से बच्चों को बस स्टॉप में ऐसे खड़ा रहना चाहिए। सो इसमें टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बच्चे ने क्या किया है, नाइफ हाथ में लिया है। शार्प थिंग से बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। सो ये भी क्या है, रॉन्ग, गलत पिक्चर, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट है जो डेस्क के ऊपर या टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी चोट लग सकती है और नाइफ से खेलने से भी चोट लग सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों पिक्चर रॉन्ग है। नंबर 5 पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गर्ल स्विमिंग कर रही है, किसके हेल्प से, अपनी मदर या कोई बड़े की हेल्प से। जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो किसी बड़े का होना जरूरी है, ओके। सो ये करेक्ट पिक्चर है, इसमें टिक मार्क करेंगे। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, दे हैपन व्हेन वी एक्ट केयरलेसली। दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, वे तब होती है जब हम क्या होते हैं, केयरलेस होते हैं, यानी कि लापरवाही बरतते हैं। हम जहां पर लापरवाही बरतते हैं वहीं पर दुर्घटना होती है, चाहे हम घर पर हों चाहे हम बाहर हों। फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलो टू अवॉइड एक्सीडेंट। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड, सड़क पर अपनी आपको सुरक्षित कैसे रखना चाहिए। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन्हें रीड करते हैं, ओके। टू कीप सेफ ऑन द रोड, सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, ओके। यहाँ पर सड़क के ऊपर एक फुटपाथ बना होता है, उस पर ही पैदल जाने वाले यात्रियों को चलना चाहिए। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर खेलना और दौड़ना नहीं चाहिए, ओके। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग और यूज द सबवेज, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए रोड क्रॉस करते समय, और सबवे का, सबवे बच्चों रोड के नीचे से इस तरीके से एक बना होता है जगह, वहां से उसे कहते हैं सबवे, वहां से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड क्रॉस ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन। क्या करना चाहिए, हमेशा जब भी आप क्या कर रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखें कि ट्रैफिक लाइट जब क्या हो जाए, आपकी ग्रीन हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, रोड क्रॉस करनी चाहिए, ओके। ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए और हमेशा रोड क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक लाइट पर ध्यान देना चाहिए। वेट इन अ क्यू एट द बस स्टॉप,
बस स्टॉप पर कतार में क्या करना चाहिए, लाइन में इस तरह से खड़े होकर वेट करना चाहिए, ओके, इंतजार करना चाहिए बस के आने का। टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। चलती बस में ना चढ़े और ना ही उतरना चाहिए, ओके, इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस। चलती बस में नहीं झुकना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस बच्चे ने विंडो से अपना फेस बाहर किया, इस तरह से नहीं झांकना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। बस में सफर करते समय फुटबोर्ड पर नहीं बैठना चाहिए या खड़े नहीं होना चाहिए, ओके। आप देखते हैं ड्राइवर की सीट के यहाँ पर सामने एक फुटबोर्ड बना होता है, उसके बगल में तो कुछ लोग वहाँ पर खड़े होते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सेफ्टी एट होम, आप घर पर अपने आप को किस तरह से आपको सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, घर पर सुरक्षा के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक प्लेट्स, नाइव्स एंड सीजर्स। ब्लेड, चाकू और कैची जैसी नुकीली चीजों से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से बिजली के तारों या सॉकेट को नहीं छूना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट जंप ऑन द फर्नीचर और रन ऑन द स्टेयर्स। जंप नहीं करना चाहिए फर्नीचर पर और सीढ़ियों पर, इस तरह से जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में एक बच्चा जंप कर रहा है स्टेयर्स पर, ऐसा करने से चोट लग सकती है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट कंसल्टिंग एन एल्डर। किसी बड़े की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, आफ्टर यूज कीप द बुक्स एंड टॉयज एट देयर प्रॉपर प्लेस। अपनी बुक और नोटबुक को यूज करने, बुक्स खिलौनों को यूज करने के बाद उन्हें प्रॉपर प्लेस पे इस तरह से रखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेल्फ बनी हुई है, इस तरह से बुक्स अरेंज की गई हैं और यहाँ पर अपने टॉयज भी इस तरह से आपको अरेंज करना चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपको सेफ्टी एट होम तक रीड करना है। इन टेक्स्ट एक्टिविटी आपको नेक्स्ट क्लास में रीड करवाया जाएगा और इससे इसकी बुक एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी। अब देखिए आप क्या करेंगे, नोटबुक में क्वेश्चन आंसर, इसके जो लेसन आपका रह गया था ना उसके क्वेश्चन, लेसन 8 के, हेल्थ इज वेल्थ, डेट 15/9/21, डे वेडनेसडे, क्लास वर्क, क्वेश्चन 3, व्हाट इज द करेक्ट पोस्चर व्हाइल वॉकिंग। करेक्ट पोस्चर क्या है, वॉकिंग करते समय हमें अपना पोस्चर कैसे रखना चाहिए। व्हाइल वॉकिंग, जब हम वॉक कर रहे हैं, वी मस्ट कीप आवर चेस्ट आउट एंड हेड हाई। हमें अपने चेस्ट को बाहर निकाल कर और हेड को ऊपर रखकर चलना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड टू टेक प्रॉपर रेस्ट। हमें प्रॉपर रेस्ट क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक है। आंसर, वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट, इट हेल्प्स इन रिफ्रेशिंग द बॉडी एंड द ब्रेन। रेस्ट करने से, अच्छे तरीके से आराम करने से क्या होता है, हमारा शरीर को मदद मिलती है रिफ्रेश होने का, तरोताजा होने का, और हमारा दिमाग भी फ्रेश होता है, ओके। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं और बुक रीडिंग करनी है, ओके, लेसन 9 की।